प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना महामारी को हराने के लिए एक और हथियार मिल गया है। भारत में कोरोना को मात देने वाली दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसे एंटीबॉडी कॉकटेल के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की कंपनी रोशे और सिप्ला ने इसे भारत में लॉन्च किया है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल को लेकर दावा है कि कोरोना मरीजों पर यह दवा 70% तक कारगर है। चिकित्सकों का कहना है कि एंटीबॉडी कॉकटेल लेने के बाद मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है। एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी किया जा रहा है। कोलकाता के CMRI, बेलव्यू और अपोलो अस्पताल में एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक CMRI के 4 और बेलव्यू क्लिनिक में 1 मरीज पर इस दवा का प्रयोग किया गया है। सभी मरीज फिलहाल स्वस्थ हैं और अपने घर में हैं। एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाइयों का मिश्रण है जो कोरोना से लड़ने में किसी मरीज की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें 2 दवाएं शामिल है। इन दोनों दवाओं की 600-600 mg मिलाने पर एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार होती है। यह दवा कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में जाने से रोकता है। इससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। एंटीबॉडी कॉकटेल दवाई लैब में बनी है। कोरोना वायरस के जिस स्पाइक प्रोटीन की बात हम करते हैं उसे यह दवा खत्म कर देती है। एंटीबॉडी कॉकटेल एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका इस्तेमाल किसी शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने के 48 से 72 घंटे के अंदर किया जाता है। दवा देने के बाद किसी भी मरीज को कुछ देर एहतियातन निगरानी में रखा जाता है, जिस तरह कोरोना वैक्सीन देने के बाद होता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद और लक्षणों के दिखने के 10 दिनों के भीतर भी इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर एंटीबॉडी कॉकटेल के बजट की बात करें तो यह सभी की पहुँच में नहीं है। इसके एक डोज की कीमत 60,000 रुपये है। दवा कीमती है पर नतीजे बताते हैं कि यह कोरोना संक्रमण से लड़ने में बहुत कारगर है। खास बात यह है कि एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल किस पर करना है और किस पर नहीं, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जो मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या काफ़ी सीरियस हैं, उन पर यह दवा ज़्यादा फायदा नहीं करती है। हालांकि संक्रमण के तुरंत बाद यदि इसकी डोज दी जाए तो ज़्यादा असर होता है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।